नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लनटॉप शो। सबसे पहले कुछ बड़ी खबरें। युवराज सिंह सुर्खियों में आज रहे, क्यों? क्रिकेट से संन्यास ले लिया भाई साहब ने। साल 2000 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के एक साल के भीतर टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया था, बिल्कुल नई पौध आ रही थी। फिर जून 2017 तक खेलते रहे, इस महीने इस साल आखिरी वनडे खेला था, अब संन्यास का ऐलान किया। यह भी कहा कि आईपीएल भी नहीं खेलूंगा। साल 2002, युवराज सिंह का नाम सुनते ही सबसे पहले यह साल याद आता है, नेटवेस्ट ट्रॉफी, जिसमें गांगुली दादा ने टी शर्ट उतारी थी, उसमें युवराज और मोहम्मद कैफ की पारी कौन भूल सकता है। 2007 की इंग्लैंड सीरीज छोड़िए, 2007 में इंग्लिश बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 गेंदों पे 6 छक्के मारे थे हमारे युवराज ने। और अप्रैल 2011 की वो शाम रात जब वानखेड़े के बीचों बीच धोनी के गले लगकर युवराज सिंह रो रहे थे, वही युवराज सिंह जिन्होंने ऑसी की तैसी की थी, वही युवराज सिंह जिन्होंने पाक साफ किया था क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में, वही युवराज जो लंका विजय के बाद क्रीज पर थे रो रहे थे। एक लड़ाई और थी क्रिकेट के मैदान के बाहर, कैंसर से लड़ाई, यूवी ने वो भी जीती, एक फाउंडेशन भी बनाया। लेकिन इस लड़ाई के बाद उनकी क्रिकेट वाली इनिंग थोड़ी सी मुश्किल भरी हो गई। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ वर्ल्ड T20 कप फाइनल में बुरी परफॉर्मेंस के बाद युवराज सिंह को हर किसी ने खारिज कर दिया, पर युवराज डटे रहे, लगातार टीम में वापसी की कोशिश करते रहे और वापस भी आते रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सेंचुरी 19 जनवरी 2017 को बनाई इंग्लैंड के खिलाफ, और इस रोज सिर्फ 100 रन नहीं बने, 150 बने। और फिर 30 जून 2017 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ मैच क्रिकेट बुक्स में युवराज के आखिरी मैच के रूप में दर्ज हो गया। और भी कई चीज़ों पर उन्होंने बात की, विस्तार से जानना है तो लल्लनटॉप की वेबसाइट पर जाइए या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अब हम आ गए हैं वक्त की कमी के चलते एक दूसरी इससे भी बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी खबर की तरफ। कठुआ में 8 साल की बच्ची के गैंगरेप और मर्डर केस में 6 दोषियों को सजा सुना दी गई है। सांजी राम, दीपक खजूरिया और प्रवेश, इन तीनों को हत्या और बलात्कार के लिए उम्र कैद की सजा मिली है। बच्ची का अपहरण करने के लिए इन्हें 25 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है। 3 और हैं जिन्हें सजा मिली, आनंद दत्ता, तिलक राज और सुरेंद्र, इन्हें 5-5 साल कैद की सजा मिली है। इन तीनों पर सबूत छुपाने का इल्ज़ाम साबित हुआ है। 10 तारीख की सुबह से 7 में से 6 आरोपियों को अदालत ने दोषी माना था और उसके बाद से सुबह से खबरें चल रही थी। सांजीराम का बेटा विशाल जंगोत्रा ये भी आरोपी था, पुलिस ने इसके खिलाफ भी मामला बनाया था लेकिन अदालत ने इसे बरी कर दिया। कुल मिलाकर इस घटना के 8 आरोपी थे, इनमें से 1 सांजीराम का भांजा, शुरुआत में नाबालिग बताया गया, फिर उसके नाबालिग होने या न होने पर कई बातें आईं। उसके नाबालिग होने को लेकर जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पास एक अर्जी लंबित है। पठानकोट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने आज जिन लोगों पर फैसला सुनाया है उनमें सांजी राम का भांजा शामिल नहीं है। पुलिस चार्जशीट के मुताबिक सांजी राम ने अपने भांजे और दीपक खजूरिया के साथ मिलकर ही साजिश बनाई थी। कहने को खबर इतनी ही थी, एक अपराध हुआ, कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग सजा हुई, जिस पर दोष साबित नहीं हुआ उसे बरी कर दिया गया। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस खबर का हर पहलू जानें, ये जाने कि जो नाम हमने आपको बताए उन्होंने ऐसा क्या काम किया था कि रेप या हत्या कह देने से उसका बयान फीका रह जाता है। ये सनसनी फैलाने के लिए नहीं है, ये हमारी कोशिश है एक सनद पैदा करने की समाज के लिए, जो आने वाले वक्त तक हमारे साथ रहे, ताकि भेड़ के मेमनों से प्यार करने वाली किसी बच्ची के साथ ऐसा दोबारा ना हो, अलीगढ़ में ना हो, भोपाल में ना हो, कुठौन में ना हो, ना किसी बच्ची का कत्ल हो, ना किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म हो, और अगर ऐसा हो भी जाए कुछ इंसानों की हैवानियत के चलते तो मजहब न खोजा जाए। क्या हुआ था कठुआ में? जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला, वहां की तहसील हीरानगर का गांव रसाना, जहां घुमंतू बकरवाल समुदाय रहता था, घोड़े चराने का काम करता था। इसी समुदाय की 8 साल की बच्ची 10 जनवरी 2018 को जानवर चराने निकली, लापता हो गई। 12 जनवरी को बच्ची के पिता ने FIR लिखाई, बच्ची नहीं मिली। 17 जनवरी को पास के जंगल से उसकी लाश मिली। पोस्टमार्टम में पता चला बच्ची के साथ कई दिनों तक गैंगरेप हुआ था, उसे भूखा रखा गया था, नशे की गोलियां दी गई थी, गला घोटा गया, सर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।
मामला सामने आया तो विरोध प्रदर्शन हुए। लोकल पुलिस को हटाकर क्राइम ब्रांच को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले गिरफ्तारी भी एक पुलिस वाले की हुई। कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें 4 पुलिस वाले थे। पहला मुख्य आरोपी रिटायर्ड राजस्व अधिकारी और मंदिर का पुजारी सांजी राम, दूसरा सांजी राम का बेटा विशाल जंगोत्रा, तीसरा सांजी राम का भांजा, चौथा उसी गांव का प्रवेश कुमार उर्फ मन्नू, पांचवा स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया, छठवां पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र वर्मा, सातवां हेड कांस्टेबल तिलक राज और आठवां असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता। क्यों मारा गया था इस बच्ची को? क्राइम ब्रांच ने जब जांच की और चार्जशीट दाखिल की तब पता चला, बकरवाल समुदाय इस्लाम को मानता है, कठुआ में ये अल्पसंख्यक है। कठुआ के हिंदू परिवारों से समुदाय के पुराने विवाद रहे। इलाके के हिंदुओं को लगता था कि बकरवाल उनकी गायों को कश्मीर में बेचाते हैं, उनकी फसलें बर्बाद करते हैं, ड्रग्स का कारोबार करते हैं। इलाके के हिंदुओं में ये सोच बन गई थी कि बकरवाल जहां रहेंगे वहां बच्चों का भविष्य, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सांजी राम की भी इनसे पुरानी रंजिश थी, कई बार पुलिस केस भी हुए थे। सांजी राम इस समुदाय को अपने इलाके से हटाना चाहता था, इसलिए 8 साल की बच्ची को निशाना बनाया। प्लान ये था कि बच्ची के साथ इतनी बर्बरता कर दी जाए कि बकरवाल डर जाए, हमेशा के लिए वो इलाका छोड़कर चले जाए। और इसीलिए एक कहानी सामने आती है, क्रूरता से भरी। सांजी राम को पता था बच्ची अकेले जंगल में जानवर चराने जाती है। उसने वहीं अपने भांजे के साथ बच्ची को मारने का प्लान बनाया। स्पेशल पुलिस ऑफिसर दीपक खजूरिया उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताया। दीपक ने उन्हें बेहोशी की दवा मुहैया कराई। सांजी राम के भांजे ने 10 जनवरी को बच्ची का अपहरण किया। बच्ची जंगल में गुम अपने जानवर खोज रही थी। वो जानवर खोजने के बहाने उसे जंगल में अंदर ले गया, उसे जानवरों के एक शेड में बांध दिया, इतना पीटा कि वो बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद सांजी राम के भांजे और परवेश कुमार ने बच्ची के साथ रेप किया। रेप के बाद बच्ची को उस मंदिर में बंद कर दिया जिसका सेवादार सांजी राम था, और मंदिर में भी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। जो देवता करुणा से भरा है, जो देवता सबकी लाज रखता है, उसी देवता के घर में ये सब हुआ। पुलिस के मुताबिक सांजी राम का बेटा विशाल मेरठ में पढ़ता था, उसे भी फोन कर रसाना बुलाया गया। बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया जाता रहा। फिर सांजी राम मंदिर पहुंचा, कहा अब बच्ची की हत्या कर उसे ठिकाने लगाना होगा, लेकिन SPO दीपक खजूरिया ने लोगों को हत्या से रोक लिया। बच्ची को बचाने के लिए नहीं, हत्या के पहले खुद भी बच्ची का रेप करने के लिए। इन सब के बाद बच्ची का गला घोटा गया, सर पत्थर से कुचला गया और शव को जंगल में फेंक दिया गया, जहां से 17 जनवरी को उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस जिसका काम होता है अपराधियों से समाज को मुक्त करना, वो खुद यहां अपराधी बनी। शर्मनाक काम। दीपक खजूरिया जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर गैंगरेप में शामिल, हेड कांस्टेबल तिलक राज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता जैसे लोग जिन्होंने लाखों रुपए की घूस ली ताकि आरोपियों को बचा सके, और उसके बाद समाज शामिल हुआ, हिंदू मुस्लिम वाला एंगल शामिल हुआ और इंसानियत लजा गई। लोगों ने देखा कि सारे आरोपी हिंदू थे, यहीं से इस मामले में धर्म की राजनीति घुस आई, इतनी बेशर्मी कि तिरंगा भी लजा जाए। मार्च के महीने में हिंदू एकता मंच ने आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली, रेप के आरोपियों के समर्थन में तिरंगा फहराया गया। सरकार में PDP की साथी BJP के उद्योग मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा और वन मंत्री चौधरी लाल सिंह ने इस रैली में शामिल होने का फैसला किया। शामिल हुए भाजपा को ये सब नागवार गुजरा जब बहुत थूथू हुई और दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। पुलिस और नेता नहीं, वकीलों ने भी शर्मिंदा किया। 9 अप्रैल 2018 को क्राइम ब्रांच चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने वाली थी। वकीलों ने इसका विरोध किया। वजह यह बनी कि सारे आरोपी हिंदू थे। आरोप लगा कि कठुआ की बार एसोसिएशन के तार BJP की राज्य इकाई से जुड़े हैं। हर तरह से मुद्दे को हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की तैयारी चल रही थी। कई कारण हैं जिसके चलते अपहरण, रेप और मर्डर का यह केस भुलाए नहीं भूलेगा। 8 साल की बच्ची के साथ इतनी बर्बरता की गई, उसकी जान ले ली गई, क्योंकि लोगों को एक समुदाय, एक धर्म से बदला लेना था। जिस धर्म की आड़ में ऐसा अपराध हो रहा था उसे भी नहीं बख्शा गया। मंदिर जैसी जगह जहां दीन दयाल जैसे भजन गाए जाते होंगे, सब पर दीनता करने वाला, वहां पर बच्ची के साथ ये घिनौना कर्म हुआ। इस मामले ने इंसान का इंसान से भरोसा डिगा दिया। क्या पुलिस, क्या सरकारें, क्या वकील, सब बटे हुए थे।
मामले में खाई इतनी गहरी खोदी गई कि सबने अपने अपने पाले चुन लिए। इस मामले में लोगों ने दोषी और भुक्तभोगी नहीं देखा, ये चिंता नहीं की कि हमारे देश की सब बच्चियां सब बच्चे यौन शोषण से कैसे बचें। देखा मजहब, हिंदू और मुसलमान। कठुआ से शुरू हुई बहस अलीगढ़ तक जाती है, प्लेकार्ड गिने जाते हैं, संवेदनाओं पर मीटर बिठा दिए गए हैं। ये नापा जा रहा है कि आप कठुआ के समय क्या बोल रहे थे, अलीगढ़ के समय क्या बोल रहे थे, तब ऐसा कहा तो अब वैसा क्यों नहीं कहा। कठुआ हमें याद रह जाएगा क्योंकि तिरंगे के नीचे हमने एक 8 साल की बच्ची के बलात्कार और मौत को जस्टिफाई करने का प्रयास देखा था। अब बात होगी गिरीश कर्नाड की। अभिनेता, फिल्मकार, नाटककार गिरीश कर्नाड, जिनकी ख्वाहिश दरअसल कवि बनने की थी, आज यानी कि 10 जून के रोज वो चले गए। भारत में आधुनिक नाटक को नई जबान देने का क्रेडिट 4 लोगों को जाता है, बादल सरकार, विजय तेंदुलकर, मोहन राकेश और गिरीश कर्नाड। आप लोगों को खोज के इनके नाटक पढ़ने चाहिए। गिरीश किस्सा को इतने पक्के कि अपने वक्त की विडंबना दिखाने के लिए बिंब 1000 साल पहले लिखे गए मिथक से ढूंढ लाते। मैं ययाति का जिक्र कर रहा हूं और उस नाटक का जिक्र अब होगा जो उनकी मशहूरियत में खासा अहम है, तुगलक। वजह यह कि इसमें मोहम्मद बिन तुगलक का नाम और कहानी तो है, लेकिन देखने वाले के दिमाग में पूरे वक्त एक मजबूत नेता की छवि आती रहती है। उस छवि का डर है, इज्जत भी, लेकिन अपनी महानता के बोध में वो काम ऐसे करता है कि उसकी अक्ल पर शक होने लगता है। एक वक्त इस नाटक को नेहरू की नीतियों पर टिप्पणी माना जाता था। बाद में नाटक देखते हुए लोगों के जहन में इंदिरा गांधी आई और 2019 में तुगलक देखने वाले नाटक को हाल की सत्ता और उसके काम करने के तरीके पर टिप्पणी बताते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में परमिता घोष का एक लेख छपा, उसमें इससे जुड़ा एक दिलचस्प प्रसंग है। कर्नाड की उम्र उस वक्त 22 साल के आसपास रही होगी। वो अपना पहला प्रसिद्ध नाटक ययाति लिख चुके थे, थोड़ा ही वक्त बीता था। तभी एक कन्नड़ साहित्यकार की बात उनके कानों में पड़ी। वो बोल रहे थे, कन्नड़ नाटक अब बस कॉस्ट्यूम ड्रामा बनकर रह गए हैं, यानी रंग बिरंगे कपड़े और मेकअप के अलावा कन्नड़ नाटकों में देखने लायक कुछ रहता नहीं। गिरीश ने इसे चुनौती की तरह लिया और तुगलक लिखा। आज तुगलक सिर्फ कन्नड़ नहीं, तमाम भारतीय भाषाओं में लिखे गए सबसे मानीखेज राजनीतिक नाटकों में से एक माना जाता है। और क्या है स्मृति में? दूरदर्शन देखकर बड़े हुए हम जैसे बच्चों की स्मृतियों में एक खास गंध होती है, अलमारी में रखी पुरानी किताबों वाली गंध। उस गंध का सिरा जब जब पकड़ते हैं तो अनिवार्य रूप से एक चेहरा गिरीश कर्नाड का सामने आता है, मंथन और मालगुड़ी डेज वाले गिरीश कर्नाड, जिनके चेहरे पर हमेशा शांति रहती थी। जो बोलते थे तो एक ठहराव का एहसास होता था। कर्नाड 81 बसंत देख कर गए, सयानी उम्र में भरी पूरी सार्थक सफल जिंदगी जीकर। दी लल्लनटॉप उनकी जिंदगी और उनके काम को एक आखिरी सलाम भेजता है। और यहीं पर आज का शो खत्म होता है। अपना, अपनों का, अपने देश का खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, पूरी नींद सोइए। शुभ रात्रि, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी।